गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स, उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आशा है आप सभी ने वर्तिका का जो पहला पार्ट जो हमने अपने पिछले वीडियो में दोहराया था, अभ्यास किया था, वह अच्छी तरह समझ के उसका अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी मुग्धा की ओर। मुग्धा का जो पार्ट दो है वो है अ और आ की मात्रा। मैं चाहूँगी आप सभी मुग्धा का पेज नंबर 16 यानी पेज नंबर 16 खोलिए। तो बच्चों, अ की मात्रा जो होती है वो हमें कभी दिखाई नहीं देती है, है ना। जब भी किसी व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं होती है तो उसके पीछे अ की मात्रा छिपी हुई होती है। जैसे क, दोहराइए आप, क, अ आ रहा है पीछे, है ना। अगर हम वो अ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो क का उच्चारण कैसे करेंगे, क, ये अधूरा उच्चारण हुआ। जब किसी बिना मात्रा वाले व्यंजन के साथ अ की मात्रा जुड़ जाती है तो उसका उच्चारण हम सही रूप से करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी इन उदाहरणों को पढ़ते जाइए और अपनी उंगली हर एक उदाहरण के नीचे रखिए, ठीक है। देखो बच्चों, फ में अ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, फ, ठीक है। वैसे ही ल में अ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, ल। अब फ अधिक ल बराबर क्या हुआ, फल। वेरी गुड। अगला उदाहरण देखिए, क अधिक अ क्या हुआ, क। म अधिक अ क्या हुआ, म। ल अधिक अ, ल। अब क म ल तीनों को जोड़िए क्या बना, कमल। वेरी गुड। नीचे देखिए एक और उदाहरण है बिना मात्रा वाले शब्द का, ट में अ की मात्रा लगाई क्या बना, ट। म में अ की मात्रा लगाई क्या बना, म। ट में अ की मात्रा लगाई क्या बना, ट। म में अ की मात्रा लगाई क्या बना, म। अब इन चारों वर्णों को जोड़िए, टम टम, ट अधिक म अधिक ट अधिक म क्या बना, टम टम। वेरी गुड। अ की मात्रा आई समझ में बच्चों, उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जब भी हम किसी व्यंजन के पीछे कोई मात्रा नहीं होती है तो वहाँ अ की मात्रा छिपी हुई होती है, हमें वहाँ अ जोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। अ के बिना उसका उच्चारण अधूरा होता है। आगे बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 17 यानी पेज नंबर 17 की ओर, जो है आ की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा, जैसे क में आ की मात्रा हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो, का। वेरी गुड। ख में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, खा। वेरी गुड। तो चलिए उदाहरणों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। छ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा क्या बन गया, छाता। वेरी गुड। अब देखिए अगला उदाहरण, ग, ग में कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, अ की मात्रा। वेरी गुड। अधिक म में अ की मात्रा, अधिक ल में आ की मात्रा क्या बन गया पूरा, गमला। वेरी गुड। ट में अ की मात्रा जोड़ेंगे, म में आ की मात्रा जोड़ेंगे, ट में अ की मात्रा जोड़ेंगे, र में अ की मात्रा जोड़ेंगे, पूरा शब्द क्या बन गया। वेरी गुड। टमाटर। त में आ की मात्रा, ता। ल में आ की मात्रा, ला। पूरा शब्द क्या बना, ताला। वेरी गुड। अब नीचे कुछ
आ की मात्रा के शब्दों के उदाहरण हैं। तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं और अपनी उंगली हर एक शब्द पर रखना न भूलिएगा। आ म, अ में आ की मात्रा, आ म आम। क में आ की मात्रा, का र कार। क म ल में आ की मात्रा, ला कमला। अ न में आ की मात्रा, ना र अनार। प, प में आ की मात्रा, पा ल क पालक। ह, ह में आ की मात्रा, हा थ हाथ। ब, ब में आ की मात्रा, बा। ज में आ की मात्रा, जा बाजा। त, ब, ल में आ की मात्रा, ला तबला। ज, ह में आ की मात्रा, हा ज जहाज। प, प में आ की मात्रा, पा ठ। श में आ की मात्रा, शा। ल में आ की मात्रा, ला पाठशाला। न, न में आ की मात्रा, ना क नाक। म, म में आ की मात्रा, मा। ल में आ की मात्रा, ला माला। म, म में आ की मात्रा, मा। ल में आ की मात्रा, ला माला। म, ह में आ की मात्रा, हा न महान। प, ह में आ की मात्रा, हा ड पहाड़। अ, अ में आ की मात्रा, आ स। म में आ की मात्रा, मा न आसमान। क, क में आ की मात्रा, का न कान। भ, भ में आ की मात्रा, भा। ल में आ की मात्रा, ला भाला। म, क में आ की मात्रा, का न मकान। स, ल में आ की मात्रा, ला द सलाद। ज, ज में आ की मात्रा, जा। ग र ण जागरण। वेरी गुड बच्चों, अब नीचे पढ़ो और लिखो, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आइए उन्हें भी पढ़ते हैं। आकाश, बाजार, जा। टमाटर, गाजर, ला। सलाद, बना। अनार, खा। कमला, नहाकर, खाना, खा। तब, पाठशाला, जा। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने मेरे साथ इन शब्दों को अच्छी तरह दोहराया होगा। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अ और आ की मात्रा। जब कोई मात्रा नहीं होती है किसी व्यंजन के साथ, तो उसके साथ अ की मात्रा छिपी हुई रहती है। अगर हम अ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो उस व्यंजन का जो उच्चारण है वो कैसा होगा? क। लेकिन यदि हमने उसमें अ की मात्रा लगा दी तो कैसा बनेगा? क। वेरी गुड।
आ की मात्रा सीखी आज हमने। किसी भी व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगा देंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे क में आ की मात्रा लगाई, क्या हुआ? का। ख में आ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? खा। वेरी गुड। तो चलिए इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर चले। अपना पेज नंबर 18 यानी पेज नंबर 18 खोलिए। प्रश्न एक देखिए। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चों कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसका नाम हमें लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। जो खाली जगह दी हुई है, खाली स्थान दिया हुआ है, वहाँ उसका नाम लिखना है। गगन किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? वेरी गुड, आम। तो उस खाली जगह में क्या आएगा? आम। खा। गगन आम खा। राधा क्या बना हुआ है बच्चों? कलश। राधा कलश ला। वेरी गुड। किस चीज का चित्र है बच्चों? घर। घर पर चल। अगला चित्र देखिए, क्या बना हुआ है वहां? वेरी गुड, छाता। छाता लगाकर पाठशाला जा। अगला चित्र किस चीज का है? अजगर। वाक्य पूरा क्या हुआ? कनक अजगर मत पकड़। अगला चित्र देखिए, कमला किस चीज का चित्र है? हार। कमला हार पहन। वह जो खाली स्थान है वहां हार आएगा। टमाटर किस चीज का चित्र है? टमाटर। वेरी गुड, टमाटर का सलाद बना। ताला, ताला लगा। सरला तबला बजा। किस चीज का चित्र है? तबला। वेरी गुड। तो खाली जगह में क्या आएगा? तबला। सरला तबला बजा। वेरी गुड। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर। रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों देखिए, पहला शब्द आपके लिए पहला किया हुआ है जल। तो पहला जो व्यंजन है उसमें हमें आ की मात्रा लगानी है, तो क्या बन जाएगा? जा और ल। फिर दूसरी लाइन में हमें क्या करना है? दोनों व्यंजनों पर आ की मात्रा लगानी है, तो क्या बन जाएगा? जाला। वेरी गुड। अब देखिए, कल, तो पहली बार हमें पहले व्यंजन पे मात्रा लगानी है आखी, और दूसरी बार दोनों व्यंजनों में लगानी है। पहली बार पहले व्यंजन में मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? काल। और अब दोनों व्यंजनों में आखी मात्रा लगाएंगे तो काला। वेरी गुड। अगला शब्द है चर। पहले व्यंजन में आ की मात्रा लगाइए, चार। अब दोनों व्यंजनों में आ की मात्रा लगाइए, चारा। अगला शब्द देखिए, बल। पहले व्यंजन में आ की मात्रा लगाई दी, क्या बन गया? बाल। अब दोनों व्यंजनों में आ की मात्रा, बाला। अगला शब्द है तर। पहले व्यंजन में आ की मात्रा लगाई, तार। अब दोनों व्यंजनों में आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? तारा। वेरी गुड। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। क अधिक अ क्या बन गया? क। म अधिक अ म, और ल में आ की मात्रा, क्या बन गया? कमला। वेरी गुड। अगला देखिए, प में आ की मात्रा, पा ठ अ पाठ। श में आ की मात्रा, शा। ल में आ की मात्रा जोड़ी, क्या बन गया? पाठशाला।
ट में अ मिलाया ट, म में आ मिलाया मा, ट में अ मिलाया ट, र में अ मिलाया र, टमाटर। स में अ मिलाया स, ल में आ मिलाया ला, और द में अ की मात्रा मिलाई, क्या बन गया? सलाद। ह में आ की मात्रा हा, थ हाथ। क में आ की मात्रा का, और न में अ की मात्रा मिलाई तो न कान। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, शब्दों को तोड़कर लिखो। अभी प्रश्न नंबर 3 में हमने प्रश्न वर्णों को जोड़कर लिखा, अब शब्दों को तोड़कर लिखना है। पहला उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है नाक, उसको तोड़कर कैसे लिखेंगे? न में आ की मात्रा अधिक क, वेरी गुड। अब देखिए राजा क्या आएगा, र में आ की मात्रा और ज में आ की मात्रा जोड़ेंगे। देखो र में आ की मात्रा जुड़ी हुई है और ज में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, राजा। अगला शब्द क्या है, अनार। अ अकेला है, कोई मात्रा नहीं है, फिर न में कौन सी मात्रा है, ना, और र में कौन सी मात्रा जोड़ेंगे हम, कोई मात्रा नहीं होती है तो कौन सी मात्रा आती है, अ की मात्रा, तो र में अ की मात्रा जोड़ेंगे, वेरी गुड। ऊ, ऊ क्योंकि स्वर है, कोई मात्रा नहीं है, है ना, तो ऊ अधिक ज अधिक आ की मात्रा अधिक ल अधिक आ की मात्रा, उजाला। स में अ जोड़ेंगे, र में अ जोड़ेंगे, क में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, आ की, र में अ जोड़ेंगे, सरकार। क में अ जोड़ेंगे, ल में आ जोड़ेंगे, क में आ जोड़ेंगे, र में अ जोड़ेंगे, कौन सा शब्द बनेगा, कलाकार, वेरी गुड। चलिए बच्चों अपने प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चित्रों की सहायता से शब्द बनाओ। कौन सा चित्र बना हुआ है, पहला बस का, आगे खाली जगह है और स लिखा हुआ है तो हमें खाली जगह में क्या लिखना है, ब, क्या बन गया, बस, वेरी गुड। अगला चित्र देखिए, किस चीज का है, गमला, ग पहले से लिखा हुआ है, म लिखना है और ल में कौन सी मात्रा आएगी, आ की, गमला, वेरी गुड। आगे देखिए किस चीज का चित्र है, माला, म में कौन सी मात्रा आएगी, आ की, ल में आ की, वेरी गुड, माला। अगला चित्र देखिए बच्चों, आसन, अ में कौन सी मात्रा आएगी, आ की मात्रा, आ स न, वेरी गुड। अगला चित्र देखिए, पालक है वह, किस चीज का चित्र है, पालक का, तो प में आ की मात्रा लगाएंगे और ल क, पालक। अगला चित्र देखिए बच्चों, किस चीज का चित्र है, तारा, त में आ की मात्रा लगाएंगे और र में आ की मात्रा, आ की मात्रा पहले से लगी हुई है तो हमें त में आ की मात्रा लगानी है और र लिखना है, क्या बन गया, तारा। अगला चित्र देखिए बच्चों, जहाज, ज हमें आ की मात्रा और ज जहाज, मगर, कोई मात्रा नहीं है यहां, क्या आएगा, मगर।
वेरी गुड बच्चों, उम्मीद है ये अभ्यास कार्य आपने बहुत अच्छी तरह पूरा कर लिया होगा। ठीक है, इस पार्ट से संबंधित एक वर्कशीट आपको दी जा रही है, आपको उस वर्कशीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले एक अच्छी आदत सीखते हैं, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। चाहे हमने कोई गलत काम ही क्यों ना किया हो, लेकिन इतनी हिम्मत रखिए कि हम अपने से बड़ों को सच बता सके कि हमने ये गलती की है। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।